आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेस में लिड की बीमारियों का डिस्कशन कर रहे थे। लिड की बीमारियों के डिस्कशन में नंबर एक हमने पढ़ाया था स्टाई, जिसे हम बिल्ली के नाम से जाना करते थे, उसी का दूसरा रूप हुआ करता है कैलेजियन। दो बीमारियों का हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आईलिड की बीमारियों की तीसरी बीमारी का हमने डिस्कशन शुरू किया था, जिसका नाम हमने रखा था ब्लेफ्राइटिस। जैसा कि हमने बताया था कि लिड की मार्जिन का इन्फ्लामेशन जो कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, ब्लेफ्राइटिस कहलाता है। ये सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, एक्सट्रीमली कॉमन डिजीज है, बहुतायत देखने को मिलती है। और हम ब्लेफ्राइटिस को 5 भागों में अध्ययन के अकॉर्डिंग बांटा था, या एटियोलॉजिकल अकॉर्डिंग बांटा था। नंबर एक सेबोरिक या स्पर्मेक्स ब्लेफ्राइटिस, जिसका हमने पिछले क्लास में स्टडी कर रखी थी। सेबोरिक ब्लेफ्राइटिस या स्क्वेमस ब्लेफ्राइटिस होती है ड्यू टू डैंड्रफ, या जो कॉस्टिव बैक्टीरिया हुआ करता था कॉर्निबैक्टीरियम एक्ने था। जो आज हम दूसरी इसी के क्रम में दूसरी बैक्टीरिया ब्लेफ्राइटिस का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकल या अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस। स्टेफाइलोकोकल ब्लेफ्राइटिस या अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस, दोनों की अगर नाम को हम स्टडी करें तो समझ सकते हैं स्टेफाइलोकोकल कास्टिव बैक्टीरिया हो सकता है, और जो फीचर देखने को मिल सकती है ब्लेफ्राइटिस की, वो अल्सरेशन के थ्रू देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस क्रोनिक टाइप की ब्लेफ्राइटिस होती है, कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला क्रोनिक ब्लेफ्राइटिस हमारा क्या कहलाता है, अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि जब स्क्वैमस ब्लेफ्राइटिस को हम डेंड्रफ को फॉर्सेप्स से हटाते हैं, वहां किसी तरह का कोई अल्सर नहीं देखने को मिलता है, बट यहां बिल्कुल उल्टा है। अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस के केसेस में यहां अल्सर देखने को मिलते हैं, और ये क्रोनिक फेज की बीमारी होती है। साइन सिम्टम्स, चूंकि बीमारी एक ही तरह की है, स्क्वेमस ब्लेफ्राइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस, तो साइन सिम्टम भी बहुत कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। जैसा कि ये क्रोनिक बीमारी है तो क्रोनिक इरिटेशन होता है इसमें। दूसरी चीज है माइल्ड लैक्रिमेशन होता है, हल्के फुल्के आंसू हमेशा आते रहते हैं, आंखों से आंसू का गिरना कंटिन्यू बना रहता है। फोटोफोबिया होती है, फोटोफोबिया का हमने जिक्र किया था। फोटोफोबिया से ताल्लुकात क्या होता है कि आंखों में चोंधी का लगते रहना, चोंधी, जैसा कि हम सूर्य की रोशनी में या लाइट में जाते हैं ऐसा फीलिंग होती है, आंखों को हम क्या कर लें, क्लोज कर लें, बंद कर लें। दूसरी चीजें क्या है, स्मॉल अल्सर देखने को मिलते हैं रूट ऑफ आईलेसेस पे। कॉम्प्लिकेशन क्रॉनिक ब्लेफ्राइटिस या अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो लंबे समय तक इन्फ्लामेशन होने की वजह से लिड की आंतरिक सतह, जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इसे हम क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन, अल्सरेटिव इन्फ्लामेशन बने रहने की वजह से मैड्रोसिस हो जाती है। मैड्रोसिस का ताल्लुकात होता है कि आंखों की जो लेसेस होती है वो फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। तीसरी, स्विकली हमारी क्या हो सकती है, अगर मैड्रोसिस नहीं हुई तो लिड की जो इन्फ्लामेशन होगी, जो रो ऑफ आई लेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, डिसडायरेक्टर्स हो जाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, ट्रेकियासिस बोलते हैं। इन केस क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, मेट्रोसिस, ट्रेकियासिस नहीं हुई तो जो आई लेसेस के कलर होते हैं वो ग्रेन कलर के हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलियासिस बोलते हैं। अब आपने देख लिया कि डेफिनेशन क्या थी, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या था, साइन सिम्टम्स क्या थे, और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस के। अब हम इस कड़ी में, अब जो हमने इतना अध्ययन कर लिया, बीमारी को पहचान लिया, बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है उस पर हम स्टडी करते हैं। बीमारी के ट्रीटमेंट में अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस होने की वजह से इसमें क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन 0.2% का आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं एट बेड टाइम, रात के वक्त में, और दिन में फिर क्या करते हैं, अगर रात में हमने आई ऑइंटमेंट यूज कर लिया, रात में आई ऑइंटमेंट यूज कर लिया, तो दिन में क्या करते हैं, इसी को
कंपोजिशन का एथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन का आई ड्रॉप यूज करते हैं, दिन में 4 से 6 बार अप्लाई करते हैं या इंस्टिल करते हैं, आंखों में डालते हैं। अब हमने बीमारी पढ़ ली, बीमारी की पहचान कर ली, बीमारी से होने वाली दूसरी बीमारियां पढ़ ली है और इसका ट्रीटमेंट पढ़ लिया। अब बीमारी अगर हो गई तो हम उससे बचे कैसे कि बीमारी और कॉम्प्लिकेटिव ना हो, तो उसमें हमारा क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्रॉपर हाइजीन की, आंखों की साफ सफाई रखनी चाहिए। हम जो आंखों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे रगड़ना नहीं चाहिए, अवॉइड रबिंग करनी चाहिए और अपने हैंड्स को बिल्कुल साफ कर रखना चाहिए कि जाने अनजाने हम अपने आईज को टच ही करते हैं तो अल्सरेशन है। अगर सपोज के लिए हमारी आंखों में किसी तरह का बैक्टीरिया का कासस का इन्फेक्शन कम था लेकिन हमारी आंखों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज्यादा था और आईज के कंट्रामिनेटेड फिंगर हमारी आईज के टच में आ गई, तो बीमारी और बढ़ सकती है और गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो बच्चों आज हमने किस पे डिस्कस किया, अल्सरेटिव ब्लेफ्राइटिस पे।